हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। ये लेक्चर में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम लोग डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर सिचुएशन कौन सा पाथ लेना है वो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स करेक्ट डिसीजंस और करेक्ट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दे रखा है कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क करते हैं। सपोज हमने हमारे प्रोग्राम में कोई कंडीशन दी है, अगर वो कंडीशन ट्रू है ओके, देन उसका कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ओके, कंडीशन स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग इफ और एल्स यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये फ्लो चार्ट कैसे वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट में तीन कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, फर्स्ट इफ, सेकंड इफ एंड एल्स लूप, एंड थर्ड इज इफ एल्स इफ लूप। ओके, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट स्पेसिफाई करता है कि जो भी हमने कोड दिया है वो एग्जीक्यूट होगा अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो। ओके, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकंड इज इफ एंड एल्स, यहाँ पर ये प्रॉपरली एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। इट मींस अगर इफ में हमने कोई कंडीशन दी है, अगर वो ट्रू है तो इफ का कोड एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो फॉल्स है तो एल्स पार्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है। सिमिलरली इफ एल्स इफ लूप, यहाँ पर अगर एक कंडीशन ट्रू है तो उसका कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो दूसरे इफ और एल्स पार्ट में जाएगा जहाँ पर सेकेंड कंडीशन चेक होती है। चलिए देखते हैं इफ इफ एंड एल्स एंड इफ एल्स इफ कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं इफ स्टेटमेंट को। इफ स्टेटमेंट एक फंडामेंटल कंट्रोल स्टेटमेंट है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसका सिंटेक्स देखिए, बहुत सिंपल है। हम लोग लिखेंगे इफ, इफ एक कीवर्ड है, इसे हमें स्मॉल से ही स्टार्ट करना है बिकॉज ये कीवर्ड है। अगर आप कैपिटल आई लिखेंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इफ और उसके बाद ब्रैकेट्स में कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो अगर a ग्रेटर देन b है तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमने कोड लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज वो उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये है एक बेसिक इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पहले हम समझते हैं इफ और एल्स कैसे होता है, और फिर इन दोनों को हम लोग प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके देखेंगे। If and else statement control statement का next form होता है जो कि उन statements को more controlled way में execute करता है। इसका syntax देखिए, if फिर हम लोग condition लिखते हैं, और अगर वो condition true है तो क्या code execute होना चाहिए वो हम curly brackets में specify करते हैं, लेकिन अगर condition false है तो हमारा जो कोड है या हमारा जो प्रोग्राम है वो एल्स पार्ट में जाएगा, और एल्स पार्ट में जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। इट मींस यहाँ पर दोनों सिचुएशन मेंशनड है कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, और इफ़ कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो कि प्रीवियसली इफ स्टेटमेंट में नहीं था। देखिए, इफ स्टेटमेंट में सिर्फ इफ कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए वही मेंशनड है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक बेसिक HTML पेज बनाया है ओके, जहाँ पर हमने बेसिक टैग्स लिए हैं HTML, हेड, टाइटल, बॉडी एंड स्क्रिप्ट टैग। अब हम इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखेंगे ओके। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले हम लोग एक इफ स्टेटमेंट बनाएंगे राइट। तो यहाँ पर हम एक इफ लेंगे, दैट इज इफ, और कोई भी कंडीशन आप स्पेसिफाई कर दीजिए जो आपको चेक करवाना है। जैसे हम एक वेरिएबल के लिए चेक करवाते हैं कि इफ़ ए डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ए एक वेरिएबल है जो कि हम यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, ए
इक्वल टू कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, ए इक्वल टू फाइव. ओके, सो हम यहाँ चेक करवाएंगे कि 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 है या नहीं. ओके, अगर 5 डिवाइडेड बाय 2 0 है तो वो इफ स्टेटमेंट में एंटर होगा, जहाँ पर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू है सो A is an even number, ओके. और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो else पार्ट में एंटर होगा. ओके, सो ये एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट में लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. अगर यहाँ पर हमने else स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ओके, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा. बट हमेशा इट इज़ बेटर कि हम लोग इफ़ के साथ एक else स्टेटमेंट लिखें. इट मीन्स अगर इफ़ में लिखी हुई कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए. ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर else पार्ट डिक्लेयर करेंगे. सो यहाँ हम लिखेंगे else, और else में हम लोग स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं. ओके, सो यहाँ पर भी हम एक सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट. ओके, और यहाँ हम लिखते हैं ए इज ऑड नंबर. ओके, सो ये है एक इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट. इफ में दी हुई कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू है तो इफ में लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, और ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स में लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं. तो ये है हमारा इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स. ओके, चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम को रन करने पर हमें क्या आउटपुट मिलता है. ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को रन करने पर हमें ये आउटपुट मिला है. ओके, ए की वैल्यू हमने 5 दी है, 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, जो कि हमने इफ में कंडीशन दी है वो चेक होता है. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इफ में लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और वो डायरेक्टली एल्स पार्ट में आएगा. ओके, और यहाँ पर एल्स में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ए की वैल्यू हमने 5 ली है, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट 0, इट मीन्स वो एल्स पार्ट में आता है, और एल्स पार्ट में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, जो कि हमने लिखा है 5 इज एन ऑड नंबर. ओके, सो ये बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पर हमने इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया है. ओके,